नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से नर्मदा सहित कई नदियां उफान पर हैं। होशंगाबाद, विदिशा, सिवनी, बालाघाट, भोपाल और अन्य इलाकों में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। ऐसे में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के चौराई इलाके की गांव बेलखेड़ा में पानी में फंसे युवक 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से युवक को बचाया गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को एक युवक मधुखार नदी में मछली पकड़ने गया था। वहीं माचागोरा डैम में भारी बारिश के बाद पानी ज्यादा होने की वजह से डैम के सभी गेट खोलने पड़े। ऐसे में नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और युवक नदी के बीच बने एक टापू पर फंस गया। पानी बढ़ता देख युवक अपनी जान बचाने के लिए टापू पर खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। आसपास के लोगों को जब युवक के फंसे होने की जानकारी लगी तो उन्होंने पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद नदी के बीच टापू पर फंसे युवक को निकालने की कोशिश की गई। लेकिन रात हो चुकी थी और चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसके चलते युवक को 24 घंटे पानी में ही रहना पड़ा और उसे रात वहीं गुजारनी पड़ी। आखिर में नागपुर से शनिवार सुबह पहुंचे सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से युवक का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। इसके बाद युवक को इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर सुरक्षित उतारा गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा और उसकी सहायक नदियां इस वक्त उफान पर हैं, बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए भी जल स्तर बढ़ा है। होशंगाबाद में नर्मदा नदी उच्चतम स्तर को पार कर चुकी है, अभी 48 घंटे भारी बारिश की संभावना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय हैं, जहां जरूरत है वहां एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी जा रही हैं। वहीं सेना को भी सतर्क कर दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंदौर में भी सुबह से बारिश जारी है। वहीं जबलपुर में नर्मदा नदी में उफान से ग्वारी घाट डूब गया है। नदियों में उफान से कई जगह सड़क मार्ग बंद कर दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भोपाल, ग्वालियर और होशंगाबाद संभाग सहित मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर, शाजापुर, देवास, उज्जैन में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शुरू हुआ भारी बारिश का दौर अगले 3 दिनों तक चल सकता है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा बारिश नरसिंहपुर में दर्ज की गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।